नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल राजपूत टेक्निकल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक एलईडी बल्ब जो कि स्विच ऑफ करने के बाद भी काफी देर तक ग्लो करता है, तो इस प्रकार का फॉल्ट इसे कैसे दूर किया जाता है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के एंड तक आप बने रहें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास दो एलईडी बल्ब रखे हुए हैं जिनमें एक बिल्कुल ओके है और एक फॉल्टी है। तो हम आपको इन्हें चेक करके बताएंगे कि किस प्रकार से इसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो सबसे पहले हम आपको ओके बल्ब को चेक करके बताते हैं। तो ये सीरीज में हम आपको चेक करके बताते हैं। तो ये हमारा ओके बल्ब है और दोनों जो बल्ब हैं वो सेम मॉडल के, सेम कंपनी के हैं और दोनों ही 9 वाट के बल्ब हैं। तो आपको चेक करके बताते हैं, ये ओके बल्ब है। ये देखिए, ये नॉर्मली ग्लो हो रहा है और जैसे ही हम स्विच ऑफ करते हैं, हम इसकी सप्लाई को बंद करते हैं, देखिए इसकी एलईडी तुरंत यानी ग्लो होना बंद हो गई। एक बार और वापस आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये एलईडी तुरंत ग्लो होना बंद हो जाती है, यानी तुरंत स्विच ऑफ हो जाता है ये और पूरी तरह से जलना बंद हो जाता है। लेकिन हमारे पास जो फॉल्टी एलईडी बल्ब रखा हुआ है, इसको हम चेक करते हैं। ये देखिए, सप्लाई देने पर ये नॉर्मली ग्लो कर रहा है, बट जैसे ही हम स्विच ऑफ करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो एलईडीज हैं काफी देर तक ग्लो कर रही हैं। आपको देखिए और क्लियर करते हैं। ये देखिए, वापस रिपीट करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए, यहां आप देखिए ये एलईडी अभी तक ग्लो कर रही है। ये देखिए, तो स्विच ऑफ करने के बाद भी ये बल्ब काफी देर तक ऐसे ही ग्लो करता रहता है। तो इस प्रकार का जो फॉल्ट है, इसे कैसे हम सॉल्व करें, तो ये आपको हम इस वीडियो में पूरा कंप्लीट बताने वाले हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इसका जो हीट सिंक है, इसे हम ओपन करेंगे और यहाँ से जो इसकी सोल्डरिंग है इसको हटाएंगे और पूरा सर्किट को हम बाहर करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं। देखिए, यहाँ से हमने इसकी सोल्डरिंग को हटा लिया है। ये हमने सोल्डरिंग आयरन से पूरी सोल्डरिंग डिसोल्ड कर ली और साथ ही हमने इसकी जो हीट सिंक है इसको यहाँ से हमने पूरा लूज कर लिया है। तो ये हमारा हीट सिंक भी बाहर आ गया है एलईडी बल्ब का। यहाँ पे जो ड्राइवर पीसीबी लगी है, इसे भी हम यहाँ से खींच के बाहर करेंगे। तो हमने ये ड्राइवर पीसीबी को भी बाहर कर लिया है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारी ड्राइवर पीसीबी, हीट सिंक, एलईडी पीसीबी, ये सब बाहर आ चुकी है। तो दोस्तों, इसमें जो फॉल्ट बन रहा है उसमें ये नॉर्मली स्टार्ट तो हो रहा है, इसमें जो सप्लाई आ रही है इनपुट एसी और जो आउटपुट डीसी बन रही है, ये सब नॉर्मल है। क्योंकि यदि ये सप्लाई नॉर्मल नहीं होगी तो हमारा जो एलईडी बल्ब है नॉर्मली ग्लो नहीं करेगा। तो प्रॉब्लम इसकी इनपुट सप्लाई सेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है और यहाँ पे जो ड्राइवर सर्किट है यहाँ पे भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो इसकी जो आउटपुट डीसी सप्लाई, यहाँ पे जो आउटपुट डीसी सप्लाई बनती है जहाँ पे ये कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं एक 100 वोल्ट और 68 माइक्रोफेरेट का इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर लगा हुआ है। ये जो टर्मिनल है यहाँ पर डीसी सप्लाई बनती है, जो कि ये रेड और ब्लैक कलर के वायर के थ्रू जो हमारी एलईडी पीसीबी है इसके इन दोनों टर्मिनल पे आती है, जिसके द्वारा ये सारी एलईडीज ग्लो करती हैं। तो ये नॉर्मली ग्लो कर रहा है बल्ब, लेकिन जब हम स्विच ऑफ कर रहे हैं तो हमारा जो कैपेसिटर है ये पूरी तरह से डिस्चार्ज नहीं हो रहा है। तो इस कारण से जो हमारी जो एलईडी है ये स्विच ऑफ करने के बाद भी ग्लो कर रही हैं। ये कैपेसिटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसके कारण ये बहुत लंबे टाइम के बाद
धीरे धीरे डिस्चार्ज होता है, तो इसमें काफ़ी लंबे समय तक ये LEDs ग्लो करती रहती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ आप देख सकते हैं जो हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर लगा हुआ है, इसका ये जो नेगेटिव टर्मिनल है, ये टर्मिनल यहाँ पे कनेक्ट है, और इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ पे इसका जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल है वो इस वाले सिरे पे यहाँ पे कनेक्ट है। तो आपको यहाँ पे एक रेजिस्टर दिखाई दे रहा होगा, ये इस कैपेसिटर के पैरेलल में लगा हुआ है। तो ये जो रेजिस्टर है ये ब्लीडर रेजिस्टर कहलाता है। तो इस प्रकार का जो फॉल्ट होता है ये इस ब्लीडर रेजिस्टर के ओपन होने या ड्राई सोल्डर होने के कारण ये इस प्रकार की प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक रेजिस्टर लगाएंगे। यहाँ पे हम आपको इसकी वैल्यू दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो रेजिस्टर लगा हुआ है ये 104 यानी 100 किलो ओम्स का रेजिस्टर लगा हुआ है। तो ये रेजिस्टर ओपन हो गया है, तो यहाँ पर हम एक अलग से एक हमारा जो कार्बन रेजिस्टर होता है हम वो अब लगा सकते हैं। तो वो 100 के का आप कार्बन रेजिस्टर यहाँ पे आप लगा सकते हैं। तो आप चाहें तो 120 किलो ओम्स का भी आप लगा सकते हैं या 150 किलो ओम्स का भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम हमारे पास कुछ 100 किलो ओम्स के रजिस्टर रखे हुए हैं, तो इनमें से हम एक रजिस्टर लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारे पास एक 100 किलो ओम्स का रजिस्टर है, ये देखिए ब्राउन ब्लैक येलो और गोल्डन, तो ये हमारा 100 किलो ओम्स का कार्बन रजिस्टर है। तो इसे हम यहाँ पे अब लगाएंगे, फिर चेक करेंगे कि हमारा जो LED बल्ब ओके हुआ है कि नहीं। ये हमने 100 के रजिस्टर की दोनों साइड की लेग को कट करके शॉर्ट कर लिया है। अब हम आपको इसकी वैल्यू भी चेक करके बता देते हैं डिजिटल मल्टीमीटर के थ्रू। तो मल्टीमीटर को हम 200 के की रेंज में हमने इसे रख लिया है। अब हम इसे चेक करके बताते हैं। ये देखिए 103.78 समथिंग आ रहा है, यानी ये 100 के का रजिस्टर है। आप देख पा रहे होंगे 200 के की रेंज में हमने इसे रखा हुआ है। तो इस प्रकार से ये जो रजिस्टर है 100 के का, अब हम इसे यहाँ पे सोल्ड करेंगे कैपेसिटर के पैरेलल में, यहाँ इन दोनों पॉइंटों पर। तो अब हम इसे सोल्ड कर लेते हैं। आप यहाँ देख पा रहे होंगे 100 के रजिस्टर को हमने यहाँ इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर के पैरेलल में अच्छी तरह से सोल्ड कर लिया है। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये ओल्ड वाला रजिस्टर लगा हुआ है 104 100 के। तो इसे निकालने की आवश्यकता नहीं है, आप इसके ऊपर पैरेलल में आप इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर के आप इस प्रकार से एक कार्बन रजिस्टर इजीली आप ऐसे लगा सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये हमने इसे अच्छी तरह से लगा लिया है। अब हम इसे चेक करेंगे क्या ये हमारा LED बल्ब ओके हुआ है कि नहीं। तो इसके लिए हम यहाँ पे जो इनपुट AC सप्लाई टर्मिनल है, ये जो फ्यूजेबल रजिस्टर है यहाँ पर और इस वाले टर्मिनल पर, यहाँ पे हम AC सप्लाई के लिए एक अलग से एक लीड लगा लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पर एक लीड को AC सप्लाई टर्मिनल पर कनेक्ट कर लिया है। अब हम इसे चेक करके आपको बताएंगे। अब हम आपको सीरीज सप्लाई से इसे चेक करके बताएंगे। दोस्तों ये LED बल्ब हमारा नॉर्मली ग्लो कर रहा है। अब हम इसे आपको यहाँ थोड़ा लाइट हमने रोशनी कम कर दी है। अब हम आपको स्विच ऑफ करके बताते हैं
कि एलईडी बल्ब की प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं। ये देखिए दोस्तों, जो एलईडी बल्ब है ये ग्लो करना तुरंत बंद कर दिया इन्होंने, तो ये जल्दी से डिस्चार्ज हो रहा है। दोबारा से हम आपको चेक करके बताते हैं। ये देखिए कितने जल्दी से एलईडीज हमारी डिस्चार्ज हो रही हैं, ग्लो करना बंद कर रही हैं। ये देखिए, तो दोस्तों ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। आपको और कंफर्म करने के लिए हम वापस इस रजिस्टर का एक टर्मिनल ओपन करके आपको चेक करके बताते हैं। तो इस टर्मिनल को हम ओपन कर लेते हैं आयरन की हेल्प से। दोस्तों आप देख सकते हैं यह हमने रजिस्टर को दोबारा से ओपन कर लिया है। अब हम वापस आपको चेक करके बताते हैं जो इसमें ओरिजिनल फॉल्ट किस प्रकार का आ रहा था, और फिर हम वापस रजिस्टर को लगाएंगे और फिर चेक करेंगे। तो हम वापस इसमें सप्लाई देके फिर आपको चेक करके बताते हैं। ये हमने सीरीज सप्लाई में इसे कनेक्ट कर लिया है। अब हम आपको वापस चेक करके बताते हैं। दोस्तों ये नॉर्मली ग्लो कर रहा है। अब हम स्विच ऑफ करके आपको बताते हैं। ये देखिए एलईडीज हमारी अभी भी ग्लो कर रही हैं। ये देखिए स्विच ऑफ कर दिया है हमने, उसके बाद भी हमारी एलईडीज ग्लो कर रही हैं, आप देख सकते हैं। ये स्विच ऑफ है हमारा, फिर भी ये ग्लो कर रही है, ये देखिए। तो ये प्रॉब्लम आ रही है इसमें। तो अब हम वापस उस रजिस्टर को दोबारा से लगा के फिर आपको बताएंगे। ये देखिए हमारा रजिस्टर अभी ओपन है, आप देख पा रहे होंगे। अब हम इसे दोबारा से लगा के फिर से आपको चेक करके बताएंगे। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे हमने इसमें 100K के रजिस्टर को दोबारा से रिसोल्ड कर लिया है। अब हम आपको वापस चेक करके बताते हैं कि हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं। तो हम वापस सीरीज सप्लाई इसमें देंगे। अब हम दोबारा से स्विच को ऑन करेंगे। अब इसे वापस स्विच ऑफ करके आपको बताते हैं। ये देखिए हमारी एलईडीज पूरी तरह से ऑफ हो गई हैं। एक बार और रिपीट करके आपको बताते हैं। ये नॉर्मली ग्लो हो रहा है। ये देखिए एलईडीज सारी स्विच ऑफ हो चुकी हैं, बिल्कुल ग्लो करना बंद कर दिया है। तो दोस्तों हमारी ये प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो चुकी है। हमारा जो एलईडी बल्ब है ये बिल्कुल ओके हो चुका है। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।